तो अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को रविवार का इंतजार रहेगा और पूरे देश भर के लोगों को भी रविवार का इंतजार रहेगा। एक रविवार पड़ने वाला है 19 तारीख को, जब मैच होने वाला है, फाइनल मैच, उस रविवार का इंतजार। और फिर इसके बाद 3 दिसंबर को, जो रविवार आने वाला है, तब नतीजों का इंतजार। इधर मतदान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा न्यूज 18 से बातचीत की है और उन्होंने राजनगर में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर हत्या के प्रयास के केस दर्ज होने के मामले में कहा है कि राजनगर में झूठा केस ही बना दिया गया। ये तो खुद कमलनाथ कह रहे हैं, अगर कोई गाड़ी से दबकर मरा तो प्रत्याशी की गलती क्या है, गलत FIR हुई। में मतदान समाप्त हो चुका है और अब 3 दिसंबर का इंतजार है सबको, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि जो वोटिंग परसेंट है वो बड़ा चौंकाने वाला है। करीब 80% वोट मध्य प्रदेश में पड़े हैं। तो आइए, हम हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं भाई साहब, 80% वोट, ये क्या संकेत है? जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को, प्रिय मतदाता भाई और बहनों को धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में इतिहास बनाया है। लगभग 80% तक मतदान जाएगा, 5 बजे 72% था। ये भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी अभियान में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था, इसको जनता का अपार समर्थन मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो कुशल रणनीति के साथ भाजपा के संगठन तंत्र को दिशा देने का जो काम किया था, कार्यकर्ता को बूस्टअप किया था, आपने देखा उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं की चिंता नहीं की, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूस्टअप करने का काम, तो उस कुशल रणनीति के हिस्से के साथ भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं को, और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की लखपति बहन की योजना होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बयान होगा, लाडली लक्ष्मी होगी, लाडली बहना योजना, जो 1,31,00,000 बहनें, आज मध्य प्रदेश के अंदर बहनों ने भी बड़ी संख्या में इस चुनाव में हिस्सा लेकर के कांग्रेस को आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की मात्र सरकार नहीं, जो हमने प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी ने दिलाया था, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हासिल होगी और मैं जनता को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूँ। महिलाओं की बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित है? एक नहीं, सभी योजनाएं। आज आप देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 70,00,000 बहनों को उन्हें इज्जत घर मिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, लाडली उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर गैस कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला, लखपति बहन की योजना में मध्य प्रदेश 1 नंबर है, जो प्रधानमंत्री की योजना, लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने बहनों को सम्मान दिया, लाडली लक्ष्मी योजना में 45,00,000 बेटियां हैं, वो भी वोटर बन गई अब तो। इसी प्रकार से कन्यादान योजना, एक नहीं, हमारी सभी योजनाओं को महिलाओं के क्षेत्र में जो ताकत मिली, महिलाओं को मान सम्मान और सम्मान मिला, उसका परिणाम है कि महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन इस चुनाव में दिया है। इसलिए मातृशक्ति को भी अभिनंदन, युवाओं भी बड़ी संख्या में मैदान में उतरे, युवाओं का भी अभिनंदन और आम जनता जनार्दन का, सभी समाजों का, सभी वर्गों का मैं तो बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस चुनाव में इस बार इतिहास बनाया और झूठ छल कपट की राजनीति को, गुंडजिम करने वाली राजनीति को जवाब मिला है। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और मुरैना के दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मतदान के बाद न्यूज 18 से बातचीत की और बड़ा दावा किया, कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत ये बताता है कि भाजपा सरकार पर न केवल लाडली बहनों बल्कि सभी वर्गों ने भरोसा जताया है।
में मतदान संपन्न हो चुका है और 70% से अधिक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बंपर मतदान हुआ है। हालांकि फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष और दिवनी से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद है। उनसे हम सीधे बात करेंगे कि आखिर किस तरह के जो बढ़ा हुआ वोट है उसको किस तरीके से वो देखते हैं, उनसे हम बात करने के प्रयास। सर, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत 70% से ज्यादा मतदान अब तक हो गया, फाइनल आंकड़े आना बाकी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मतदान आज बहुत अच्छा हुआ है और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के मतदान किया है। ये मतदान का बढ़ना और महिलाओं का मतदान बढ़ना, ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तौर से एक अच्छी लहर बन गई थी और उस लहर का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास जीतेगी। नहीं, सरकार के प्रति कोई आक्रोश नहीं है लोगों के मन में। प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव था ये और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा है, उसका एक तौर से प्रकटीकरण है ये मतदान का बढ़ना। स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी हमारे नेता हैं, मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे, उन्होंने जो योजना बनाई वो योजना क्रियान्वित हुई और उसका परिणाम अच्छा है। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या परिणाम दे? ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। देखिए, दरअसल बीएसपी और कांग्रेस जब पराजय की ओर बढ़ने लगती है तो फिर झगड़ा फसाद करती है। वैसे लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इन दलों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, नई सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 150 से अधिक सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है वो ये बताता है कि बीजेपी सरकार के प्रति लोगों ने समर्थन जुटाया है। दीपक कुमार के साथ सैनी सिंह, न्यूज टीम। नई सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाएगी, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा का दूसरा चरण का मतदान भी पूरा हो गया। शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय था। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कांग्रेस की ही जीत का दावा किया है और कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस के 75 पार के दावे को उन्होंने फिर दोहरा दिया है। देख रहे हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूं। सबसे पहले तो ये चाहेंगे सर कि लोकतंत्र की जो सबसे सशक्त तस्वीर होती है और चूंकि आप मुखिया हैं तो एक बार वो तस्वीर दिखाइए और एक बार अपील कर दीजिए न्यूज 18 के जरिए। अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। जो न्यूज 18 देख रहे हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूं कि घर में हैं वो घर से निकलें और मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आप आम लोगों की तरह लाइन में खड़े थे सर और लंबी कतार में आप खड़े थे और कोई शिकन नहीं थी, तो जनता के बीच भाई जनता के बीच के आदमी है, कोई ऐसे तो नहीं है कि जिस सेलिब्रिटी हों, हम तो आम जनता के बीच के लोग हैं, तो जनता के बीच में रहना अच्छा ही लगता। इसी घर में आप जो है वो जब विपक्ष के नेता थे तब भी यहाँ से गए होंगे, अभी भी आप पैदल चलते हुए गए, कुछ याद आया कि आप? हाँ, उस समय कैमरा कुछ कम था, इस समय कुछ ज्यादा ही था। अच्छा सर, आपके बार क्या लक्ष्य लगता है? आपके बार 75 पार। गृह लक्ष्मी योजना जो लॉन्च करने की आप लोगों ने बात कही, आपको लगता है कि महिला वोटर्स क्योंकि बड़ी संख्या में है, यूथ वोटर्स एक बड़ा असर दिखाई? जी, महंगाई के इस दौर में कांग्रेस ने जो योजना लागू की है उससे महंगाई लड़ने के लिए उनको ताकत मिलेगी। आपकी फेवरेट पिक्चरों में लगता है कि शहंशाह पिक्चर रही होगी, कोई डायलॉग याद हो जो आजकल? बहुत सारे पिक्चर है, लेकिन ये क्या रिश्ते को दीवार में लिखना चाहिए? अब चुनाव में वो दीवारों में रिश्ते को लिखने लगे, तब मैंने फिर कहा कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो आपको लगता है कि नतीजे भी वैसे ही आएंगे? वैसे ही रहेगा, एक तरफा रहेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका कहना है कि इस बार जो है वो 75 पार है और उन्होंने न्यूज 18 के जरिए आम लोगों से अपील भी की है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट देने के लिए बाहर निकलिए और देखिए कि किस तरीके से अगर हम बात करें कि अगर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो कतार में लग करके वोट देने के लिए खड़े हो सकते हैं, जाहिर तौर पर सभी को निकलना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की ये जो सबसे सशक्त तस्वीर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का दावा है कि
इस बार जो नतीजे होंगे 75 पार होंगे, नतीजे क्या होंगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी उत्साह जबरदस्त है। कैमरा पर्सन राजेन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कुरुडी। और आइए अब नजर डालते हैं मतदान की 50 तस्वीरों पर।